हेलो दोस्तों, बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। मैं पूर्वी की मम्मा, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अभी बज रहे हैं सुबह के 7, तो पूर्वी जा रही है स्कूल। मैं उसको पहुंचाने जा रही हूँ आधे रास्ते तक, फिर उसके दोस्त मिल जाते हैं उसको। काम मेरा थोड़ा और है, थोड़ा घर जाके करूँगी मैं। अभी देख सकते हो आप पूर्वी का स्कूल जाने वाला रास्ता। तो ये है पूर्वी का स्कूल जाने वाला रास्ता। आगे गोल्डी भी आया है, बल्लू भी आया है पूर्वी को पहुंचाने। बहुत ही ख़तरनाक रास्ता हो रहा है, बरसात के दिनों में तो कहीं ज़्यादा आफत आ जाती है। इसमें फिसलन भरा रास्ता है, अगर गलती से भी पैर फिसल गया तो वो नीचे पहुंच सकते हैं रोड में नीचे। तो देखो दोस्तों, ये है वो व्यू, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मैंने पहुँचा लिया है पूर्वी को, वो जा रही है, अब जाने लग गई है। अब गोल्डी यहाँ पर पानी में मस्ती जो नहा रहे है। जा उठ चली, अभी आ गई है यहाँ धूप। घर जाते समय मिला मुझे माल्टा जिसमें लगाया पानी। व्यू देख सकते हो दोस्तों आप, ये है सुबह के 7:45 का। अभी खुल गया था मौसम और उधर से काला हो गया है वो बारिश आने जैसा। तो दोस्तों फिर उसके बाद बनाई मैंने रोटी, आप देख सकते हो मैं जला रही हूँ आग। मैं रोटी बनाऊं और विधु मुझे परेशान ना करे, ये हो ही नहीं सकता। जिद करने लगी मैं रोटी पकाती हूँ करके, फिर मैंने भी इसको दे दिया पका करके। नहीं लगेगी तेरी रोटी को नजर। क्या बोला मैंने? नहीं लगेगी, मैं कह रही हूँ ना नहीं लगेगी। रोटी में नजर लगती है क्या? हाँ। किसकी लगी? मम्मी के लिए नजर, बच्चे के लिए नजर लगी। नहीं लगेगी आपके मम्मा को भी नजर। मेरे दोस्तों को बोला था मैंने। अच्छा, दोस्त को बोला था। हाँ ठीक है, और बोल। नजर लगी दोस्त के लिए। कौन है तेरी दोस्त? ये है। हाँ। सारे? हाँ। ठीक है, फिर मैं आपको रोटी खाइयो, आप भी आओ रोटी खाने के लिए। ये विधु ने बनाई ये रोटी अपने लिए रोटी बनाई, दोनों रोटी उसी ने बनाई, अब वो खा रही है सब्जी के साथ। विधु हमेशा अपने लिए रोटी खुद ही बताती है और खुद ही बनाना पसंद करती है, तो उसने बना ली है रोटी, अब वो खा रही है। अब मैं बना ली हूँ हमारे लिए, आप भी आओ खाने के लिए। तो मैंने नहला ली है। मैं बोलूंगी। ओहो ठीक है, बोल फिर बोल। बोल। हेलो गाइस, मैंने नाराज भी हो रही है बाल बनाने इस समय, क्योंकि पसंद नहीं आ रहे हैं इसको बाल। आज मैं जंगल नहीं जा रही, आज मैं जा रही हूँ धान नीदने के लिए खेत में। खेत से ही हो जाएगा मेरा घास आज। तो ये है पीणू, हमारे यहाँ पीणू कहते हैं इसको, देख सकते हो आप। इसकी सब्जी बहुत अच्छी होती है। और ये है मांस। मुझे रास्ते में मिली दुकान जो मैंने वहाँ से लिया, ये है वो दुकान। मैंने लिया यहाँ से कुछ भी नहीं। चल ठीक है, बाय। तो देखो दोस्तों, यहाँ से देख सकते हो आप खूबसूरत सा व्यू, आज आई यहाँ धूप। तो ये है वो व्यू, ये है मडुआ और नीचे को है धान। तो दोस्तों अब करती हूँ मैं धानों की निलाई, वो धान जिनकी निलाई करनी है अभी। तो दोस्तों कर ली है मैंने निलाई। जो घर में घास होता है, घर का घास बहुत भारी होता है, जो जंगल वाला होता है वो हल्का होता है, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा होता है घर के घास में। यहाँ पर पानी भी आया बहुत, तब ये भारी हो जाएगा। तो दोस्तों भारी देख बर कमर तो पहले पटा गए मेरी, पत्ते ना ऊँचा हक छो ना ऊँचा हक न भारी, मैं दिखा हकूँ तो मनु भारी छो मेर भारी। जय देख बरन मेरे कमर पहले पटा गई, क्या क्या चौमासा घास बहुत भारी हूँ, तो मैं ले जा हक छो ना ले जा हक न, कोशिश तो करूँ कि मैं ले जा लूँ। मर पसर भरन तो मैल ऊँची नहीं हुई हूँ और इला पड़न छ मैल पानी ताली।
उसी का सुंगर न पढ़ो खाली उसी का मैल भारत चुन बदल पढ़न था पानी ताली छ पानी ताल सुंगर की जिसके पढ़न पढ़ल गड़बड़ी न पढ़ल यहाँ भी नहीं फिर उचाई जाल भारी मन लागम रो आज की मैं भैरू चाह लू और घर ले जा हकुन यहाँ भी कोई छे लेना दूर दूर तक माहौल ना आगा आदिम भैरू चुना अबर अब की करनु मर पसर तो चुना हमेल भारी लेनी है घर चलो ठीक छ मिन्ना हाँ अकेल के बनिया रह मेर वीडियो में ऊँचा आलून भर जब बता आलून मैं कि मैं ऊँचा आया भर गए तो मैंने ऊँचा लिया भारी बड़े मुश्किल से सुंगरा जिसके खल पड़ भरन देखो माउल्ला तुमन तो रियानु खोज सुंगरा ऐप बैग रियानी ठाड़ उठन में तो सुंगरा ऐप बैग खोज बना रखे तो लाची फलियू लिया आज ऊँचा ही है चलो भगवान ने कृपा ऊँचा नह जा मैं आप घर तरफ आखिरकार मैं पहुँच ही गई थी घर जो इला शोरूम जो मैं बात आज झुगड़ी लुट जा गई छूँ पूछी गई छूँ मैं ईजा ईज बबा बाप का घर बड़ मुश्किल है तो दगड़ियों में पूछ गई हूँ घर और दगड़ा ला आ गया पसना धार जो मैं बताना हकनो ये तो कटक लग गया ना बताना हकनो भारी तेन राठा सा कटक की तो लग गया ना ये भारी ली ठीक है फिर गाय को घास डाले मैं ज़्यादा करूँगी मैं ठीक है बस हो गया हो गया जखियों दी हवा सरारा बांझ लखड़ूंगा सुखा भरा ठंडो मीठो अभी बज रहे हैं दिन के पौने दो मैं जा रही हूँ पूर्वी को लाने और जो ये मेरी पीठ में देख रही हो आप इसको कहते हैं घेड़ जो बकरियों ने खा रखा है और उसमें लकड़ियाँ बच जाती हैं तो उसको फेंकते हैं तो इसको भी उधर ही को फेंकने के लिए ले जा रही हूँ ताकि दो काम एक साथ हो जाए आ गई है पूर्वी मैं लेट हो ही जाती हूँ रोज़ घर का काम ही नहीं हो पाता है ख़त्म आ गई है पूर्वी जीते रहना देख सकते हो यहाँ का व्यू आज धूप है बहुत अच्छी धूप है आज यहाँ बादल आ गए और गोल्डी आ गया है पूर्वी से प्यार करने के लिए स्कूल से आ गई करके पता चल गया तो दौड़ा दौड़ा आया अब प्यार चल रहा है फिर रोज़ की तरह लगाया मैंने आंगन में झाड़ू जल्दी लगा लिया था क्योंकि बारिश आने जैसा हो रहा था तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 तो यहाँ आई है बहुत सारी बारिश मैं दिखा रही हूँ आपको बारिश ये आई है बारिश दोस्तों हाँ मैं अभी दीदी के गोठ में जो बैठे हैं बारिश में फंस गए थे हम इसलिए हम गोठ में ही बैठे हैं अब ले रहे हैं यहाँ पर चाय का आनंद ये है चाय ये है दीदी और ये है बारिश रुक गई है बारिश ये है शाम का गोबर जो फेंकने जा रही मैं अभी दोस्तों मैं यहाँ पर गिर चुकी हूँ मरने वाली थी बज गई थी से तो दोस्तों मैं यहाँ पर गिर चुकी हूँ जो मुझे ज़्यादा चोट आई नहीं उतने में लगी हल्की सी तो ये अंदर ही जाने वाला था अभी गोबर कह रहा था अंदर ही जाता हूँ तो मैं आई हूँ गोबर फेंकने जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ी देर पहले मैं वहाँ पर गिरी तभी थोड़ा लेट होगी नहीं तो अभी तक चले जाती घर तो रत्त पड़ी हूँ मैं सुंगरे जिसके खाली और एल कद्दू जिसके फूटना बटी रही हूँ मैं सौरे ईदगाह नली या गरोई सोरे नल बता दिया कोई कमेंट कर बे तो देख सकते हो आप ये है रात का व्यू तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं मिलते हैं दूसरे ब्लॉग पर थैंक यू बाय बाय टाटा।